मैं अमरीन हूँ, अमरीन जैदी, और मैंने ये किताब लिखी है द वॉरियर विडोज। इसमें आप देखेंगे वॉर को कट किया गया है रेड, जैसे सिंदूर नहीं मिट जाता है, सिंबॉलिक है, क्योंकि एक औरत की जंग, उसकी बैटल तो तभी शुरू होती है जब उसका सोल्जर हस्बैंड शहीद हो जाता है। हम सबको मालूम है कि हमारी सोसाइटी जो है वो विधवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा काइंड नहीं रहती है। इन लेडीज़ के साथ इसमें स्टोरीज शुरू हुई हैं लेडीज़ के साथ जिनके हस्बैंड वर्ल्ड वॉर टू तक में लड़े। तो ये होता है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, सारा स्टिग्मा जो विडो के साथ लगा होता है, और कैसे बच्चों को बड़ा किया, और कईयों को ये हुआ कि फैमिली से हटा दिया गया, मेन फंक्शंस में नहीं जा सकती थी, मैरिज फंक्शंस में अलाउड नहीं थी कि भाई बैड लक लाओगे और सब। उसके बावजूद वो अपने अपने फील्ड में कैसे सक्सेसफुल निकली, एक इंस्पिरेशन बन के निकली, उसके बारे में एक किताब। वॉट इंस्पायर यू टू राइट दिस बुक मैम? वेल, जब फौज में आई शादी होकर मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मेरे मतलब घर में कोई भी फौज में नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी से पहले ही वॉर्न कर दिया था कि देखो ये इजी लाइफ नहीं है, सेपरेशंस होंगे, हर दो साल में आपको मतलब फैमिली पोस्टिंग होगी, नॉन फैमिली पोस्टिंग होगी, फैमिली पोस्टिंग होगी, नॉन फैमिली पोस्टिंग होगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, बच्चे छोटे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, बट मुझे जाना है। सो सोच समझ के तुम यस कहना एंड यू सपोर्ट। तो उस टाइम फौज आर्मी ऑफिसर ही वॉज अ कैप्टन, तो मैंने कहा चलो नहीं मिलके करेंगे जो भी है साथ में सारा कुछ। बच्चे फौज में आई ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया थी, बिल्कुल ही अलग, मतलब आपने सोचा ही नहीं कि क्या है। और फिर फौज में वेलफेयर सेंटर्स या वेलफेयर स्कीम्स बहुत चलती हैं, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई विडोज से, ऑर्फन से, शहीदों के बच्चों से। तब मुझे लगा कि इनके लिए काम करना चाहिए, वैसे फौज बहुत सब कुछ करती है, वहाँ से फीलिंग मेरा दिमाग में आ गया था कि एक वेबसाइट बनाऊँगी videos.com या indianvideos.com, जहाँ पे ये लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे और हम इसके सोल्यूशन बताएंगे। वो चलता रहा, वो अलग अलग पोस्टिंग होती रही, आई स्टार्टेड वर्किंग, तो फिर अलग अलग मेरे भी जॉब वो रहते रहे, बच्चे बड़े होते गए, फिर ये हुआ कि फाइनली आई क्विट माय जॉब एंड आई हैव बीन अ पैशनेट राइटर। लिखती रही हूँ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, हर जगह पे। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक लेडी से हुआ, और एक फंक्शन था अयोध्या में जिसको मैं कहूँगी मेरी कर्मभूमि है, और वहाँ अवध यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था, और मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा क्या वहाँ पर जो कुछ और विडोज होंगे उसको बता सकते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल ना बुलाइए। मैंने वहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर्स पोस्ट करते हैं स्टेशन पर, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे लिस्ट दे दी पूरी, और एक बंदे का नाम दे दिया कि 1 point है पर्सन आप इसको बोलिए, ये आपकी सबसे बात कर। तो मैंने कहा मैं और मैं उनको सम्मानित कराना चाहती हूँ अवध यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर मैं जाकर मिली, वहाँ से मुझे मिले भागीरथी देवी जी, जिनके हस्बैंड की डेथ होगी थी 1962 वॉर, अब हम उसके 50 साल में 1962 वॉर के हाँ। और उन्होंने मुझसे मिली और मेरा हाथ पकड़ के छोड़े, कमर एकदम झुकी हुई है, अयोध्या में अवध यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी वॉर विडोज़ को बुलाया, भागीरथी देवी जी उनमें से एक थी। और वो जब आई मैं सबको वेट कर रही थी, मुझे और किसी का वहाँ सब आ रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे थे, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बट मुझे अपनी विडोज़ का इंतज़ार था, मैं खड़ी थी। वो जब आई तो वो सबसे बेचारी धीरे धीरे चलती हुई, कमर मुड़ी हुई आई, और आके बस मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी और बोली बेटा हमें तो पूछत ना ही, तुम पहली बार हो इतने सालों में कि किसी ने हमें कहीं बुलाया है, करके रोने लगे। और उनको देख के मुझे रोना आ गया, क्योंकि हम हैं तो सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी पुरानी वॉर्स की विडोज़ हैं। तो फिर ये हुआ कि तब पता चला कि उनके
1962 वॉर में उनकी डेथ हो गई थी और उस टाइम पे 3 रुपये पेंशन मिलती थी मंथली और 300 रुपये टोटल उनको कॉम्पनसेशन मिला। लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बहुत बड़ा एक लैंड का पीस प्रॉमिस किया था जो हर जगह से सैंक्शन हो गया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी हेडक्वार्टर, हर जगह से, बस वो पेपर्स उनके हाथ में आ गए। लेकिन उनके विलेज का जो गांव का प्रधान था उसको ये बात मंजूर नहीं थी कि उससे ज़्यादा या उसके बराबर ज़मीन किसी के पास हो। उसने पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दी, राइट देना शुरू कर दी और आज तक भागीरथी देवी जी को वो नहीं मिली उनकी लैंड। उस कहानी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं लिखूँ इसके बारे में, लोगों को बताऊँ, पीपल शुड नो कि सोल्जर तो गया, उसके बाद देखो वाइफ को कितना सफर किया। और दूसरी बात ये कि भाई ये बात मीडिया में है, यूपी गवर्नमेंट तक पहुँची, वहाँ पर योगी जी ने क्या किया, उन्होंने अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन को अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इसको काम करिए और इस इशू को रिजॉल्व करिए। तो जिस दिन भागीरथी जी को ये मिलेगा लैंड, उस दिन मेरी किताब की ट्रू सक्सेस हुआ।